एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग लोग तियांजी कंपाउंड को ज्वाइन कर लिए होते हैं, इसलिए अब वो लोग खुद को रजिस्टर करने वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस गेट पर एक एल्डर बैठा होता है जो कि सबको उनका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है। इसलिए फैंग सबसे पहले अपना कार्ड दे देता है, जिसमें 100 क्रेडिट देकर वो एल्डर थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और उसे देखकर सोचता है कि ये बंदा तो ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट प्लेस कैसे हासिल कर लिया है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले तुम लोगों का रैंक क्या था, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर शुरू से शुरू करोगे। ये बोलकर वो उन्हें वहाँ की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए एक इन्फॉर्मेशन किताब दे देता है, जहाँ पर वो सभी लोग किताबें पढ़ने लगे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सेंगथेन एकेडमी के अंदर में भी सभी स्टूडेंट को 8 भागों में बांटा गया है, जो कि नीचे से ऊपर तक ऑर्डिनरी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लू और पर्पल है। रेड ग्रेड का स्टूडेंट बनने के बाद सभी स्टूडेंट को 1 क्रेडिट रोज फ्री में दिया जाएगा, ऑरेंज ग्रेड वाले को 2 क्रेडिट, येलो ग्रेड वाले को 3 क्रेडिट और इसी तरह से आगे वो बढ़ता चला जाएगा, और पर्पल ग्रेड वाले को 7 क्रेडिट रोज फ्री में दिया जाता है। वो सब पढ़कर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि पर्पल ग्रेड वाला बिना कुछ भी ना किए भी इनलाइटमेंट लैंड में जाकर 7 घंटे तक कल्टीवेट कर सकता है। उसका हैरानी भरा शक्ल देखकर यानदोंग उससे कहते हैं कि वो सभी बातें सच है, लेकिन लेवल अप करना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। लेवल अप करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारे क्वेस्ट को कम्प्लीट करना पड़ेगा। फैंग पूछता तो कि हम लोग रेड लेवल का क्वेस्ट कभी पूरा करने चल सकते हैं। यानदोंग उससे कहते हैं कि ज़्यादा उड़ो मत, हम लोग अभी सिर्फ ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही बने हैं, अभी हम लोग सिर्फ ग्रेड का मिशन कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर टीचर लोग थोड़ी सी मुस्कुराती है और उन लोगों से कहती है कि अब तुम लोग मेरा पहले इंस्ट्रक्शन को सुनो, सभी न्यू स्टूडेंट रेड लेवल के मिशन को एक्सेप्ट करके रेड लेवल के स्टूडेंट में प्रमोट होंगे और इसके लिए तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही टाइम है। 10 दिन सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो उनके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए आगे कहती है कि अगर कोई भी इस मिशन को फेल करके मेरा इंसल्ट करवाता है तो उन लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करूँगी। ये सब सुनकर तो उन सभी लोगों के फटके चार हो जाती है। तभी एंट्रेंस वाले एल्डर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग आखिर टीचर लियो को क्यों चुने हो। फैंग उसके बात को इग्नोर करते हुए पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग रेड लेवल में प्रमोट कैसे हो सकते हैं। एल्डर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों का किस्मत काफ़ी अच्छा है कि मेरे पास अभी एक रेड लेवल का मिशन है, अगर तुम लोग उसे कंप्लीट कर लेते हो तो तुम लोग पास समझे जाओगे। बोलो, क्या तुम लोग इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। ये सुनकर सभी लोग पूछने लगे होते हैं कि वो कैसा मिशन है, क्या उसे अकेले करना है या फिर उसे ग्रुप में करना है, उसमें कितना ज़्यादा खतरा है। उनकी बातें सुनकर वो एल्डर उन्हें वो वाला टास्क देते हुए कहता है कि प्राइमोडियल फॉरबिडन एरिया में एंशिएंट बीस्ट का ग्रुप अवेकन कर रहे हैं और वो सभी बीस्ट अभी किंगसू सिटी पर हमला कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जाकर उन्हें तब तक सपोर्ट करना होगा जब तक कि वो सभी बीस्ट रिट्रीट ना कर जाए या फिर उन सभी बीस्ट को मार ना दिया जाए। बीस्ट का लेवल सुनकर यानदोंग थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और पूछता है क्या हम लोग इसमें कुछ और नहीं कर सकते हैं क्या। वो एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों ने पहले ये वाला मिशन ले लिया है और रूल के अकॉर्डिंग में कोई भी एक दिन में एक ही मिशन को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर तुम लोग इस मिशन से गिवअप कर देते हो तो अब तुम लोगों को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तभी फैंग कुछ सोचकर उससे पूछता है कि अभी उस सिटी का कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। एल्डर कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग अभी अटैक करना शुरू ही किए हैं। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा खुश होते हुए सोचता है कि इसका मतलब कि वो सभी बीस्ट अभी फॉरबिडन लैंड के बाहरी हिस्से से आया हुआ होगा, इसलिए अभी तक सिटी को कुछ नहीं कर पाया है। अगर भीतरी हिस्से से वो सभी बीस्ट आया होता तो सिटी अभी तक बचता ही नहीं। इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सोचकर फैंग उस मिशन को एक्सेप्ट करके वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर लिव आती है, उसे देखकर वो एल्डर पूछते हैं कि वो सभी बिस्ट तो हमेशा डोरमेंट रहते हैं लेकिन वो लोग अचानक हमला क्यों करने लगे हैं। लेकिन तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये सभी काम इसे स्कॉर्पियो का ही होगा। अब बताया जाता है कि उस फॉरबिडन लैंड के शुरुआती हिस्से में एक स्पेशल तरह का रेड क्लाउड ट्रेजर गोल्ड नाम का मेटल मिलता है जिससे कि साइकिक वेपन बनाया जा सकता है, इसलिए इंसान वो मेटल को कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर किंगसू सिटी को स्टेबलाइज कर दिया है। इतना बताने के बाद अब उन बिस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे एंशिएंट बिस्ट उस सिटी के डिफेंस वॉल पर अटैक कर रहे होते हैं। उतने सारे बिस्ट को जागता देखकर सिटी लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पहले सिर्फ कुछ ही बिस्ट जागते थे, लेकिन इस बार तो काफ़ी सारे बिस्ट एक ही बार में जाग गया होता है, जो बात को उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो अपने एक साथी से पूछते हैं कि डिफेंस वॉल और कितने देर तक संभाल सकता है। उसका साथी कहते हैं कभी का सिचुएशन देखकर लग रहा है कि वो लगभग 7 से 8 दिन तक उन्हें रोक के रख पाएगा। सिटी लॉर्ड पूछता है क्या तुमने होली पैलेस को नोटिफाई कर दिया है। वो कहता है हाँ मैंने कर दिया है और रीइन्फोर्समेंट रास्ते में ही है। इसके बाद अगले समय फैंग के ग्रुप को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग टेलीपोर्ट होकर सिटी से कुछ दूरी पर पहुँच गए होते हैं। वहाँ आसपास के जगह को देखकर लोग पूछते हैं कि अगर ये किंगसू सिटी है तो हमें यहाँ पर एक भी एंशिएंट बीस्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा है। यानदोंग कहते हैं कि किंगसू सिटी में कोई भी टेलीपोर्टेशन एरिया नहीं है, हम लोग अभी याओयुआन सिटी में आए हुए हैं जो कि किंगसू सिटी के सबसे करीब है। तभी फैंग येहोंग से पूछते हैं कि अभी हम लोगों को किंगसू सिटी पहुँचने में और कितना देर लगेगा।
गेहोंग मैप को देखकर बताता है कि अभी हम लोग जिस जगह पर है वहाँ से जाने में हमें लगभग 6 से 7 दिन लग जाएगा। 6 से 7 दिन सुनकर लोंग काफ़ी हैरान रह जाता है और कहते हैं कि अगर 10 दिन में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो टीचर हमें छोड़ेंगी नहीं। पूरा सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके फैंग कहता है कि मेरे हिसाब से तुम सभी लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसके जो हमें यानकिंग पूछते लेकिन क्यों हम इसे एक साथ कंप्लीट करने के लिए अग्री किए थे और वैसे भी उसे अकेले पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा खतरा भी होगा। फैंग कहते हैं कि अगर हम सभी लोग एक साथ जाएंगे तो हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा जिससे हमारे पास टाइम बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए मैं और गेहोंग काफ़ी होंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर हम जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो हमें फ्लो स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा और सिर्फ गेहोंग ही यहाँ पर है जो कि बिना किसी स्पीड फ्लो स्पेस में जा सकता है। तभी लोंग उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों उतने सारे एंशिएंट बीस्ट से फाइट कर लोगे। फैंग हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ हम दोनों ही उसके लिए काफ़ी होंगे, तुम लोगों को यहाँ पर बस इंतजार करना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों जाने लगते हैं। अब इसको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंगसू सिटी में वो सभी बिस्ट अब अपन पूरा पावर का यूज करने लगे होते हैं जिससे वो दीवार टाइम से पहले ही टूटने लगा होता है, इसलिए अब सभी लोग अब किसी भी कीमत पर अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करने की तैयारी करने लगते हैं और तभी वो दीवार टूट जाता है जिससे सभी बिस्ट अंदर आ जाते हैं। सिटी लोड एक बिस्ट पर अटैक तो करने जाता है लेकिन एक बिस्ट उसे पीट के रख देता है जो देखकर उसका साथी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जैसे ही उसका ध्यान हटता है एक बिस्ट उस पर भी अटैक कर देता है और इसी के साथ में काफ़ी सारे बिस्ट आकर उनके सभी सैनिकों को रौंदने लगा होता है। वो सब देखकर सिटी लोड अपना सभी उम्मीद खो दिया होता है लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों आकर उस बिस्ट को मार देते हैं जो कि सिटी लोड पर अटैक करने वाला था। रीइन्फोर्समेंट को आता देखकर सिटी लोड को जान में जान आता है और उसके सभी सैनिक भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और दोबारा से खड़े भी हो जाते हैं। वहीं पर फैंग जाकर सभी बिस्ट को ख़त्म करने लगा होता है और गेहोंग अपने डिफेंस का यूज करके डिफेंड करने लगा होता है। अपने सिटी को डिफेंड होता देखकर सिटी लोड काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है लेकिन उसका खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा एंशिएंट बिस्ट फॉरबिडन लैंड के डिफेंस पार्ट में से आने लगा होता है और उनमें से 2 बिस्ट मार्शल एम्परर लेवल में भी होता है। उन्हें देखकर गेहोंग फैंग को संभल कर रहने के लिए कहता है। फैंग उससे कहता है कि तुम गार्ड करो और एक भी बिस्ट को अंदर नहीं आने देना नहीं तो हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब तक मैं जाकर उन ग्रुप ऑफ बिस्ट को संभालता हूँ। ये बोलकर वो जाकर नया आया हुआ बिस्ट से फाइट करने लगा होता है लेकिन वो लोग पहले से ज़्यादा ताकतवर होते हैं जिन्हें कि फैंग चोट नहीं पहुँचा पाता है जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी सिटी लॉर्ड फैंग से कहता है कि उन बिस्ट का कमजोरी उनका पेट है, इसलिए फैंग एक बिस्ट का पेट में अटैक करता है जिससे वो मारा जाता है। उनका कमजोरी जानकर फैंग सभी बिस्ट पर फिर से काम तमाम करना शुरू कर दिया होता है। वहीं पर सिटी लॉर्ड फैंग का अटैक को और गेहोंग के डिफेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया होता है। तभी नीचे में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो लगभग सभी बिस्ट को ख़त्म कर दिया होता है और गेहोंग से कहते हैं कि लगता है कि हम लोग ये बैटल रात से पहले ख़त्म करने वाले हैं। गेहोंग कहते हैं कि तुम तो जेनरस बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, तुमने तो मुझे फाइट करने का मौका दिया भी नहीं। वहीं पर नीचे में सभी बिस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर सभी के सभी बिस्ट अब रिट्रीट करके भागने लगे होते हैं लेकिन फैंग किसी को भी जाने नहीं देने का मन बना लिया होता है इसलिए वो भी उनके पीछे जाने लगता है। वो देखकर सिटी लूट काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए फैंग को उनके पीछे नहीं जाने के लिए कहता है लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है क्योंकि तब तक फैंग उनके पीछे चला जाता है। वो देखकर सिटी लूट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो भी उसके पीछे जाने लगा होता है उसे रोकने के लिए। उसे उतना ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी जाते देखकर उसका सैनिक पूछता है कि मत जाइए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सिटी लोड उसका बात को ना मानकर कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, फॉरबिडन लैंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अगर सेंट मारा जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। वहाँ का मिस्ट को देखकर गेहोंग के भी कुछ अजीब लगने लगा होता है और उसे भी फेंग की चिंता होने लगती है। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो जाकर आखिरी मिस्ट को भी ख़त्म कर ही दिया होता है। सबको मारने के बाद जब वो आसपास का नज़ारा देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसे वहाँ पर एक भी जीवित प्राणी दिखाई दे ही नहीं रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन मिस्ट के डेड बॉडी पर जाती है जो कि काफ़ी कम टाइम में सूख गया होता है जिससे फैंग को समझ में आने लगा होता है कि यह जगह बिल्कुल भी रहने लायक है ही नहीं और उसे कुछ र्यूमर्स भी याद आने लगा होता है जो कहते हैं कि यहाँ पर यह जगह ग्रेट एम्परर और गोट का स्लीपिंग जगह है और इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ पर कोई अनजान दुश्मन अपीयर नहीं होंगे। अगर यहाँ पर कोई होली बेस्ट भी आ जाता है फिर भी मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। वो सब याद करके फैंग वहाँ से वापस जाने लगा होता है लेकिन वो रास्ता भटक गया होता है मगर उसका किस्मत काफ़ी अच्छा होता है तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड फैंग को ढूंढते आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। उससे जख्मी देखकर फैंग जल्दी से उसे हील कर देता है। उसका फार्मासिस्ट होने वाला बात को जानकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी फैंग उससे पूछता है कि क्या यही असली फॉरबिडन लैंड का बिगिनिंग है। सिटी लॉर्ड हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि आपको अभी पता नहीं है लेकिन ये इसका बाहरी हिस्सा नहीं है बल्कि ये इसका भीतरी हिस्सा है। फैंग पूछता है लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही मिनट तक चला था, इतने कम टाइम में मैं इसका डिफेंस पार्ट में कैसे आ गया हूँ। सिटी लॉर्ड कहता है कि यही तो यहाँ का मिस्ट्री पार्ट है, कोई यहाँ पर आता नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट होकर
पहुंच जाता है। अगर तुम यहाँ पर दिख रहे उस व्हाइट मिस्ट को कॉन्टेक्ट में आ जाते हो तो तुम यहाँ पर अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर आ जाओगे। इतना बोलकर वह फैंग को जल्दी से वहाँ से बाहर लेकर जाने लगा होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया।